इस न्यूज को खुशखबरी कहा जा सकता है क्योंकि जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जो 13 कॉलेजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, उनमें काफी वैकेंसीज निकली हैं। एड आपके सामने है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर 6 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स की पोस्ट साथ में ही है, गवर्नमेंट ने जो पोस्ट निकाली है वो 12 या 15 प्रिंसिपल्स की है, वो डिफरेंट है। पीपीएससी रिक्रूट कर रही है, वो अलग से मैं बताऊंगा। ये जो पोस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की हैं, 6 पोस्ट प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ठीक, और 133 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस कई लोगों के लिए नया शब्द है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज पर नेक्स्ट जल्दी ही इसके साथ ही वीडियो अपलोड कर देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस होते क्या हैं, इनको रन कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, इनको फाइनेंस कहां से आता है, क्या गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में डिफरेंस है, इनमें क्वालिटी कितनी है। सच कह रहा हूं कि इनको अगर सीधा सीधा मानना है कि गवर्नमेंट कॉलेज के इक्वल लगभग मान सकते हो। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे सैलरी मेन हमने परमानेंसी और सैलरी देखनी होती है, ये पोस्ट भी इक्वली रेगुलर और उनके इक्वल लगभग सैलरी मिलने की पूरी संभावना है, जैसे कि इस एड में बताया गया है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज पर डिफरेंट वीडियो, 2-3 की वीडियो बनेंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में जो खास करके एकेडमिक एनवायरनमेंट है, जो उनका कंपैरिजन में प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस से करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जरूर देखिए, उससे क्या है कि आपकी अट्रैक्टिवनेस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगी। दैट इज वाई इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। तो ये एप्लीकेशन है, 6 पोस्ट प्रिंसिपल, 133 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। फॉर मोर डिटेल प्लीज विजिट पंजाबी यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये है, और ये आपको बता रहा हूं। अगर आपने सीधा आप खुद देखना है तो देख सकते हो, इस वीडियो में भी बता रहा हूं। सीधा देखने के लिए आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के इसमें जाओगे, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की वेबसाइट है punjabiuniversitypatiala.ac.in, ओके। उसको ओपन करने के बाद यहाँ आएगा इम्पोर्टेंट लिंक्स। इम्पोर्टेंट लिंक्स में आपने जाना है यहाँ पर वैकेंसीज, ओके। वैकेंसीज में ये 29th को, जो दिसंबर को 2021 को एडवर्टाइजमेंट आई है, उसको क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। मैंने इसको पहले से बड़ा करके थोड़ा इधर रखा हुआ है ओपन करके, ओके। तो ये उन वैकेंसीज की डिटेल है, इस वीडियो में सारी डिटेल आप देख सकते हो, खुद भी जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की वेबसाइट से ही सीधा जो उतारा गया है इसको, ठीक। पंजाबी में है लिखा हुआ, साथ में कुछ वर्ड इंग्लिश में है। मेरे ख्याल में कुछ लोगों को लगेगा प्रॉब्लम, शायद जो स्टेट से बाहर के हैं उनको लगेगा, दैट इज वाई हिंदी में वीडियो बना रहा हूं। असामिया ने नाम लिखे गए, पोस्ट कौन सी है, प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर बात हो चुकी है, ओके। जो कहा कि किन कॉलेजेस के लिए है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ये कितनी पोस्ट है, 6 प्रिंसिपल और 133 असिस्टेंट प्रोफेसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में जो पिस रहे हैं उनके लिए सैलरी टाइम पर मिलना, सैलरी बिना मांगे मिल जाना, सैलरी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू यूजीसी और गवर्नमेंट नॉर्म्स उसके मुताबिक मिलना, वो है। जो ग्रेड है वो लिखे गए हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में जो किया जाता होता है, जो एक दुकानदारी होती है, जो एक बिजनेस होता है, वैसा कुछ नहीं होगा। जो पे स्केल होगा ये फुल पे स्केल लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हो। प्रिंसिपल्स के लिए है प्रोफेसर ग्रेड है, ठीक, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है जो ग्रेड चल रहा है, ठीक। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने पंजाबी में यहां लिखी है कि पंजाब सरकार के पत्र डेट 15/1/2015 में जो दर्ज इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की और कंटिन्यूटी की,
उसको इस इन पोस्ट को फिल करने के लिए लागू किया जाएगा। ये क्या होती हैं इसके बारे में डिफरेंट वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन है कि ये क्या जो पोस्ट है वैकेंसीज है फिल होंगी है, पूरी होंगी, मतलब हाँ उसके लिए ये वैलिडिटी बताई गई है कि ये पोस्ट जो है क्या परमानेंट है। पंजाबी में लिखा है यस परमानेंट पोस्ट है, जिसको आप रेगुलर भी कह देते हो। दूसरा है लीव वैकेंसी तो नहीं है, नहीं ये लीव वैकेंसी नहीं है। लीव वैकेंसी होती है कोई एक साल के लिए, छह महीने के लिए, नौ महीने के लिए छुट्टी पर गया है, जब तक वो छुट्टी पर है तब तक ही आप जॉब करोगे, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, अच्छा क्या जो रिजर्व कैटेगरी है उनको इसमें आरक्षण मिलेगा? यस अकॉर्डिंग टू रूल, वो सातवें परफॉर्मा नीचे लगा हुआ है वो दिखा देते हैं, रिजर्वेशन है इसमें। ओके, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको एज पर यूजीसी गाइडलाइन एंड अडॉप्टेड बाय सिंडिकेट ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ये दो बातें होती हैं याद रखना है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर और इक्विवेलेंट पोस्ट दैट इज प्रिंसिपल, उसके लिए जो है वो यूजीसी ने मिनिमम देनी है। कोई भी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट उस मिनिमम में कुछ प्लस कर सकती है, ये बात याद रखनी है। दैट इज वाई यूजीसी प्लस सिंडिकेट ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दोनों को देखना पड़ेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी जब फॉर्म फिल करने के बारे में बताऊंगा। ओके ओके, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वही होगी जो यूजीसी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की है। नॉर्मली यूजीसी की क्वालिफिकेशन आपको पता है, यूजीसी नेट जैसे पीएचडी जिसने 11 जुलाई 2009 से पहले की है, जो एग्जैक्ट डेट मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, यहां पर अभी इसको मत लीजिए। ओके, कोई स्पेशलाइजेशन का मिलेगा कोई लागू नहीं है यहाँ बताया गया है। क्या इन पोस्ट को फिल करने के लिए हायर अथॉरिटी की जो अप्रूवल ली गई है? यस ली गई है। अच्छा, जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? स्टैट्यूट 12 लिखा है, इसके डिस्क्रिप्शन बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी ये आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपको टाइम पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने हैं। ओके, पात्रता निर्धारित करे किसी संबंधी विषय नु मनना हो उसका वेरवा दो। ओके, ये अभी नहीं है आपके काम, कोई और विशेष नो। नेक्स्ट है कि ये जो टोटल पोस्ट है 20 सब्जेक्ट्स में है, टोटल प्रिंसिपल की 6 पोस्ट है। ठीक, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। एससी की 2 रिजर्व है और एक्स सर्विसमैन की 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1 और जनरल की 2 सीट्स हैं। ठीक है, बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है 133 पोस्ट, वो कौन कौन के सब्जेक्ट की है? बॉटनी की 2 है, केमिस्ट्री की 9 है, कॉमर्स की 15 है, कंप्यूटर साइंस की 8 है, इकोनॉमिक्स की 7 है, इंग्लिश की 19 है, फैशन डिजाइनिंग की 1 है, हिंदी की 2 है, हिस्ट्री की 6 है, जर्नलिज्म की 1 है, मैथमेटिक्स 10 है, म्यूजिक की 2 है, फिजिकल एजुकेशन की 9 है, फिजिक्स की 6 है, पॉलिटिकल साइंस की 5 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 है, पंजाबी 22, सबसे ज्यादा पंजाबी की पोस्ट है, रिलीजियस स्टडीज 3 पोस्ट है, सोशियोलॉजी की 4 है और जूलॉजी की 1 पोस्ट है। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पोस्ट कहीं कई तरह के आपके मन में ख्याल आएंगे कि जैसे जो जनरली करप्शन के सिस्टम में होता है, पर ये बात याद रखनी है, जहां ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूं कि ये पोस्ट को फिल करने के लिए जो मैक्सिमम वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, मैक्सिमम विदाउट जो है करप्ट साइकिल होता है उसके बिना ये फिल होनी है। दैट इज वाई आपको हर हालत में पॉजिटिव रह के इनको इनकी एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करने चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो पोस्ट निकली है लगभग उनके इक्वल ही इनको आपने समझना है। डिफरेंस नेक्स्ट में जरूर बता दूंगा। ठीक, दूसरा ये है कि जो पीछे मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं इन कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, जो जो पोस्ट वो भी फिल हुई हैं,
तो उन्होंने साफ बताया है कि सर प्योरली जो अच्छा कैंडिडेट था, जो डिजर्व कैंडिडेट था, उसको ही सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल की वो जो आप पता है कि सैलरी बहुत ज्यादा है, जहां सैलरी बढ़ जाती है वहां करप्शन का प्रेशर बढ़ जाता है, ये बात स्पष्ट है। ठीक है, तो मैं ये किसी को बायस नहीं कह रहा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन जैसे आ रही है कि प्योरली ये फिल करने की कोशिश होगी और जो डिजर्व करेंगे कोशिश होगी, ये मैं बोल रहा हूं, हम हमें यही सोच के चलना है। 100% जो है मैं रिटर्न मैं भी नहीं दे सकता। ठीक है, कोई इस एक करप्ट सिस्टम में जब कुछ अच्छा करना चाहता है तो प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं, कोर्ट भी आती है, जस्टिस भी आता है, जुडिशरी भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, चेक एंड जैक सब कुछ आता है, लेकिन आपको पॉजिटिव सोच के फिल करना है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, हाँ पॉजिटिव होने की संभावना मैक्सिमम है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके अलावा 33% जो पंजाब में वुमेन की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये बात याद रखनी है। डिफरेंट नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने लगा हूं, क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनके केस अटके हुए हैं 6 जैन को, जिसकी जिनकी वो डेट भी है ना, हियरिंग है हाई कोर्ट में पंजाब में, तो उनके लिए भी जरूरी है हॉरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन को समझ लेना। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, कहते हैं कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कम या ज्यादा की जा सकती हैं इससे। ठीक, तो ये एब्रिवेशन जो फुल फॉर्म है, जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी बताई गई है। उसके बाद द इम्पॉर्टेंट कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपने कैसे करना है ये उसके बारे में है। अप्लाई करने की जो फीस है वो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जो एससी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ ऑल स्टेट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब ओनली। बहुत अच्छा, मैं खुश हूं कि जिसने भी ये वो बनाया है क्लियर किया हुआ है। अब क्लियर है कि पंजाब के ओबीसी और जो है एससी एसटी जो है उनकी जो है 885 उनके लगेंगे, 750 हैं जो जीएसटी भी जाना है, 18% जीएसटी आप दे रहे हो, ये भी बात रखनी है। आप जीएसटी दे रहे हो, क्या उतनी डेवलपमेंट हो रही है जितना जीएसटी आप दे रहे हो? अच्छे नागरिक बनो, अवेयर बनो और एक्सपेक्ट करो कि जितना आप दे रहे हो उतना गवर्नमेंट आपके लिए करे। गवर्नमेंट की बात यहां कर रहा हूं। ओके, एक्स सर्विस मैन पंजाब स्टेट ओनली, उनके हैं 500 है प्लस 90 रुपी उनको भी देने पड़ेंगे और 590 उनके हो गए फीस जो है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड लीनियल ऑफ डिसेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक, पंजाब, इनकी जो है फीस 590 उसके साथ ही है। ऑल अदर कैटेगरीज, ऑल अदर में डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी है, ये बात जरूरी है क्योंकि डिफाइन डेफिनेशन में कहीं हम शामिल है नहीं शामिल है। यहां पर जनरल है, स्पोर्ट्स पर्सन है ऑफ पंजाब, ये जरूरी है, और फ्रीडम फाइटर, ठीक है, फ्रीडम फाइटर को भी फुल देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा लड़ते रहे आप, कोई बात नहीं। जो फुल है जो वो 1500 प्लस 270 है और ये बन गई टोटल 1770 उनकी टोटल फीस। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन है फीस को लेके, फीस बहुत जरूरी है, पे करनी, उसकी रसीद रखनी बहुत जरूरी है, ये इन लाइंस में बार बार बताया गया है। फीस शुड बी पेड आइदर ऑन डिमांड ड्राफ्ट नंबर 1 इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पेएबल एट पटियाला अटैच्ड डिमांड ड्राफ्ट विद एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एक तो डिमांड ड्राफ्ट हो गया, दूसरा इन कैश आप एट यूनिवर्सिटी कैश काउंटर पर जमा करवा सकते हो। ठीक, प्लीज अटैच ओरिजिनल फीस रिसिप्ट, ठीक है, ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी नहीं, हाँ फोटोकॉपी जरूर क्लिक करके रखो क्योंकि बाद में काम आनी है, अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, नोट द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस पेमेंट स्लिप ऑफ प्रोसेसिंग फी एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो आपको फीस की स्लिप संभाल के रखनी है, ये एक पता पक्का जो
काम है उसकी फोटो क्लिक करके रख लें, या अगर दो रसीद मिलती हैं, कई बार यूनिवर्सिटी में जमा जब कराते हैं तो दो स्लिप्स मिलती हैं, एक साथ में लग जाती है, एक आपके पास रहती है। द फीस विल नॉट बी रिफंडेड, ये तो पता है कोई भी रिफंड नहीं करेगा, ये आपको पता है, ठीक है। आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, फीस नहीं रिफंड होगी। नो रिक्वेस्ट फॉर रिमिटेंस ऑफ फीस और विदड्रॉल ऑफ कैंडिडेटचर फ्रॉम द कैंडिडेट आफ्टर शी सबमिटेड हिज ऑनलाइन। आपने एक बार सबमिट कर दिया ऑनलाइन तो आपकी फीस रिटर्न नहीं होगी, आप विदड्रॉ फिर नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट मस्ट डिपॉजिट देयर फीस केयरफुली, केयरफुली का क्या मीनिंग है, नो रिफंड विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट डिपॉजिट फी मल्टीपल टाइम। अगर दो बार आपने फीस दे दिया, ये नहीं है कि मेरी एक वाली वापस कर दो, ऐसे नहीं होगा। ये क्या है, इन्हें इंसानिया दे पर जाने वाले परफॉर्मा पंजाबी यूनिवर्सिटी, ओके। तो वेबसाइट कौन सी है, मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीडियो में वो बता दू। यस, कैसे जाना है, ये वापस चलते हैं यहाँ पर, चलो ये बता देता हूँ, आपने जाना है, ये आप आ गए वेबसाइट पर, ये रहे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ओके, पंजाबी यूनिवर्सिटी .ac.in। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक्स है, इसको क्लिक करोगे, इम्पोर्टेंट लिंक्स में जाकर डाउनलोड सेंटर यहाँ पर आ जाओ, डाउनलोड सेंटर में जाके कहाँ गए भी, डाउनलोड सेंटर कहाँ जा रहे हैं, ये आ गया डाउनलोड सेंटर, ओके, डाउनलोड सेंटर ओपन हो गया, ओके। यहां पर आप जाओगे, इससे भी आगे जाओ, ये यूनिवर्सिटी बजट है, यहां पर नहीं जाना। स्टूडेंट एप्लीकेशन एक्टिविटी फॉर्म है, यहां नहीं जाना। इससे आगे जाओ, इम्प्लॉई टीचर्स स्टाफ रिलेटेड फॉर्म्स, ठीक है। इसमें है इवेल्युएट परफॉर्मेंस सेल्फ, नहीं ये भी नहीं है। इससे आगे जाओ, यहां पर फोर्थ नंबर पर है एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें दो हैं, टीचिंग के एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। आपने टीचिंग पोस्ट पर क्लिक कर देना है, ये परफॉर्मा खुल जाना है। कैसे फिल करना है नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। वापस चलते हैं यहाँ पर आके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। प्लीज अटैच, ये हो गया कि हमने कैसे पहुंचना है वहां तक। प्लीज अटैच टू फोटोस्टेट कॉपी ऑफ बायोडाटा पब्लिकेशन, क्योंकि प्रिंसिपल्स के लिए वो 400 पॉइंट्स होंगे, वो क्या क्राइटेरिया, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। टू फोटोस्टेट कॉपीज ऑफ बायोडाटा आपकी, और पब्लिकेशंस अगर आपकी हैं वो क्या, जर्नल्स की पब्लिकेशन, आर्टिकल जो है, बुक्स हैं, ठीक। एनी अदर क्लेम, अगर आपने क्लेम करना है कि मेरी जो ये मार्क्स मेरे अधिक बनते हैं, कुछ ऐसा क्लेम है, उसका डॉक्यूमेंट, उसकी दो कॉपियां आपको फोटोस्टेट देनी होगी विद द एप्लीकेशन फॉर्म, फेलिंग विच वुड बी नॉट बी पॉसिबल टू प्रोसेस द केस। इंपॉर्टेंट है भी, दो फोटोस्टेट करानी है, अदरवाइज आपका केस आगे नहीं जाएगा। हाँ, द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट में दिया गया है कि लास्ट डेट इसकी क्या है, 14 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। और आपके सारे ही डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, ठीक। तो कोई जानकारी आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, नेक्स्ट वीडियो 2-4 जरूर बना रहा हूं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की क्वालिटी पर, एनवायरमेंट पर, सैलरी पर, बहुत मतलब आपको वैसे भी आपकी नॉलेज चाहिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, प्राइवेट में टीच कर रहे हो, कहीं भी टीच कर रहे हो, आपको इनकी नॉलेज जरूर चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, और फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, अगर अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि सिलेक्शन मोड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन मोड जब भी क्लियर होता है, वो सिलेक्शन मोड बताया जाएगा। अगर टेस्ट होना है, मोस्ट प्रोबेबली ये अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, टेस्ट होना है नहीं होना है, तो अभी आप फॉर्म फिल करने पर जोर दीजिए। अगर टेस्ट होता है तो भी गाइड करूंगा, टेस्ट प्लस इंटरव्यू होती है तो भी गाइड करूंगा। और आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज जरूर बताइए, आपके क्वेश्चन मुझे लीड करते हैं कि उनका थैंक्स जिन्होंने लिखा था कि सर इसके बारे में ये वीडियो जरूर निकालें, तो वेरी मच थैंक्स, कमेंट की वेट कर रहा हूँ, थैंक यू।